हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। सो गाइस, अगर आप वेडिंग सीजन में पहनने के लिए कुछ रेडी टू वेयर लहंगा ढूंढ रही हो, या कुछ गाउन ढूंढ रही हो, या कुछ इंडोर वेस्टर्न आउटफिट या रेडी टू वेयर साड़ी ढूंढ रही हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। मीशो से अफोर्डेबल प्राइस में कुछ रेडी टू वेयर लहंगा या कुछ वेडिंग वेयर आउटफिट्स का रिव्यू मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूँगी। एंड सारे प्रोडक्ट्स का प्रॉपर कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप चेकआउट कर लेना। सो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ आज का ये वीडियो देख लीजिए। आज की जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मीशो स्पेशल वेडिंग आउटफिट सेल वीडियो। अगर आप वेडिंग में पहनने के लिए कुछ रेडी टू वेयर लहंगा ढूंढ रहे हो, तो रेड कलर में ये को लहंगा का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली ये को रेडी टू वेयर लहंगा है, स्कर्ट रेडी टू वेयर ब्लाउज एंड दुपट्टा दी हुई है। तो चलिए पहले ना ये टॉप का रिव्यू शेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सुपर है फैब्रिक वाइज, आपको गांजा फैब्रिक में दिखने को मिलेगा। एंड उसके ऊपर सारे रोजेस का डिटेलिंग दी हुई है। फ्रंट का जो नेक है आपको कुछ इस तरह के डिज़ाइन के साथ दिखने को मिलेगा। एंड बैक का जो नेक है ना, ये बस हल्का सा डीप बैक नेक में दी हुई है। एंड आपको यहाँ पर हुक वगैरह दिखने को मिलेगा, उसके अंदर लाइनिंग दी हुई है। एंड फ्रंट में आपको यहाँ पर पैड भी दिखने को मिलेगा। सो स्लीव वाइज आपको क्यूट सा पॉप स्लीव में आ जाएगा। एंड जैसे कि फैब्रिक वाइज और गांजा में है, पहनने के बाद क्यूट लग रहा है। एंड बैक साइड में यहाँ पर लटकन वगैरह भी प्रोवाइड की हुई है। सो ये रही एक रेडी टू वेयर ब्लाउज। एंड ये रही लहंगा, ये भी एक रेडी टू वेयर लहंगा है या स्कर्ट है। सो गाइस, यहाँ पर ना आपको इतना सारा हैवी फ्लेयर दिखने को मिलेगा, सेम टोन टू टोन कलर के साथ दी हुई है, सेम प्रिंट के साथ। फैब्रिक वाइज आपको अर्गांजा में आ जाएगा, काफ़ी लाइट वेट है। एंड टोटल लहंगा में सारे आपको रोजेस का डिटेलिंग दिखने को मिलेगा। एंड नीचे यहाँ पर एक बॉर्डर दी हुई है, उसके अंदर आपको यहाँ पे सेल्फ फैब्रिक में एक लाइनिंग भी दिखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे भी एक बॉर्डर प्रोवाइड की हुई है। प्रॉपर वेडिंग वेयर लहंगा है, आप आराम से इसे मीशो से बाय कर सकते हो। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। मतलब कि ये सारे प्रोडक्ट्स का क्वालिटी अच्छा है, आप बेफिक्र होकर बाय कर सकते हो वेडिंग में पहनने के लिए। एंड ये रही दुपट्टा, वेलनट फैब्रिक में रेड कलर में ये दुपट्टा है। चारों एंड्स पे आपको ये सारे रफल का डिटेलिंग दिखने को मिलेगा। नेट का क्वालिटी अच्छा है, काफ़ी लाइटवेट लग रहा है, सॉफ्ट भी है। सो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट वन इज गाइस, अगर आप वेडिंग में पहनने के लिए कुछ लहंगा ढूंढ रही हो या वेडिंग सीजन के लिए कुछ लहंगा ढूंढ रही हो, तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये रही लहंगा, एंड उसके साथ ब्लाउज भी दी हुई है एंड दुपट्टा भी प्रोवाइड की हुई है। सो चलिए पहले लहंगा का रिव्यू शेयर कर लेते हैं। सो ये रही लहंगा, नेट फैब्रिक में आपको दिखने को मिलेगा। एंड टोटल लहंगा में ना आपको सारे नेट फैब्रिक के साथ रफल का डिटेलिंग दिखने को मिल रहा है, काफ़ी लाइट वेट सी लहंगा है। अंदर कैनकन भी प्रोवाइड की हुई है। एंड नेट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक के साथ नेट का सारे रफल का डिटेलिंग मिल रहा है ये लहंगा में। एंड बहुत सारा लेयर दी हुई है नेट फैब्रिक के साथ। सो परफेक्ट है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड जैसे कि एक रेडी टू वेयर लहंगा है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर जिप दिखने को मिलेगा, उसके अंदर यहाँ पे लाइनिंग भी प्रोवाइड की हुई है। एंड इतना सारा रफल का डिटेलिंग मिल रहा है। एंड उसके अंदर ना यहाँ पर कैनकन भी प्रोवाइड की हुई है। सो अंदर कैनकन मिल रहा है, उसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। एंड फ्लेयर वाइज भी अच्छी फ्लेयर दी हुई है, पहनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगेगा। एंड उसके साथ ना ये रही दुपट्टा, नेट फैब्रिक में ये दुपट्टा दी हुई है, सिंपल सी दुपट्टा है, आपको नेट फैब्रिक में दिखने को मिलेगा। चारों एंड्स पे ये सारे सेल्फ फैब्रिक का बॉर्डर दी हुई है, काफ़ी स्मूथ है, मतलब कि नेट का क्वालिटी अच्छा है। एंड ये रही ब्लाउज पीस, एक्चुअली ब्लाउज पीस के लिए ना आपको यहाँ पर वन कलर में थ्रेडवर्क का डिटेलिंग के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक प्रोवाइड की हुई है। सो इनो फैब्रिक के साथ आपको यहाँ पर ब्लाउज पीस दिखने को मिलेगा, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर ये सारे थ्रेड वर्क का डिटेलिंग दी हुई है। स्टिचिंग करके पहनने के बाद ना काफ़ी खूबसूरत लगेगा। एंड वेस्ट में टाई अप करने के लिए ना ये बेल्ट भी प्रोवाइड की हुई है, यहाँ पर लॉटकन दिखने को मिलेगा। एंड फैब्रिक वाइज सिल्क में है, उसके ऊपर ये सारे थ्रेड वर्क का डिटेलिंग मिल रहा है। जो नेक्स्ट वन है, सो गाइस मीशो से ये इंडो वेस्टर्न साड़ी का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली एक स्कर्ट है, उसके साथ अटैच होकर के एक दुपट्टा दी हुई है। एंड ये रही एक शॉर्ट पेपलम टॉप, जो कि आपको ये मीशो पे दिखने को मिलेगा। इसका डिफरेंट साइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड इसके साथ एक बेल्ट भी दी हुई है वेस्ट में टाइप करने के लिए। तो चलिए पहले ना ये टॉप का रिव्यू शेयर कर लेते हैं। फैब्रिक वाइज जॉर्जेट में आ रहा है, स्लीव वाइज रेगुलर स्लीव में दी हुई है। एंड जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर गोल्डन कलर में ना ये सारे फॉयल प्रिंट वगैरह प्रोवाइड की हुई है, मतलब कि क्वालिटी अच्छा है, तो ये सारे फॉयल प्रिंट वगैरह नहीं जाएगा, जैसे कि रेगुलर स्लीव में दी हुई है। फ्रंट में बस हल्का सा यहाँ पर आपको एक स्लीव दिखने को मिलेगा, अंदर यहाँ पे लाइनिंग भी प्रोवाइड की हुई है। सो काफ़ी लाइट वेट है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर मरून कलर में एक जेब भी प्रोवाइड की हुई है।
एंड उसके साथ वेस्ट में टाई अप करने के लिए ना जॉर्जेट फैब्रिक में से मरून कलर में ये आपको बेल्ट दी हुई है एंड आपको यहाँ पर मैग्नेटिक लॉक भी प्रोवाइड की हुई है। सो ये रही साड़ी या स्कर्ट। सो फैब्रिक वाइज ये भी आपको जॉर्जेट फैब्रिक में दिखने को मिलेगा। वेस्ट में यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है एंड गाइस आप इसका कलर देख लीजिए, मतलब नॉट मरून या आपको वाइन कलर के साथ दिखने को मिलेगा। एंड टोटल स्कर्ट में ना आपको ये सारे गोल्डन कलर में फॉल प्रिंट प्रोवाइड की हुई है। सो गाइस आप बेफिक्र होकर बाय कर सकते हो क्योंकि ये सारे प्रिंट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली गाइस नहीं जाएगा एंड दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे लाइनिंग भी दिखने को मिलेगा एंड उसके साथ अटैच होकर के ना ये दुपट्टा दी हुई है। वेल ये रही दुपट्टा, सेम आपको ये वाइन कलर में दिखने को मिलेगा एंड गोल्डन कलर में सारे फॉयल प्रिंट वगैरह प्रोवाइड की हुई। जो नेक्स्ट बॉन है सो गाइस वेडिंग में पहनने के लिए मीशो से ये को वेडिंग वेयर गाउन करी वो अभी मैं शेयर करूँगी। सो गाइस ये रही गाउन, आपको ये मीशो पे दिखने को मिलेगा अगर आप गाउन वगैरह ढूंढ रहे हो वेडिंग में पहनने के लिए। तो अब चेकआउट कर लेना मीशो पर। सो जैसे कि नेक वाइज राउंड नेक में आ जाएगा, जॉर्जेट फैब्रिक के ऊपर ये सारे सीक्वेंस का डिटेलिंग दी हुई है एंड ये गाउन में आपको कोई भी डिफरेंट साइज ऑप्शन दिखने को नहीं मिलेगा, ओनली डबल एक्सल साइज अवेलेबल है। स्लीव वाइज लॉन्ग स्लीव में आ जाएगा एंड उसके ऊपर ये सारे सिल्वर कलर में थ्रेड वर्क विद सीक्वेंस का डिटेलिंग दी हुई है। फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पर ये सीक्वेंस का वर्क मिलेगा थ्रेड वर्क के साथ। एंड ये रही गाउन, सिंपल सी गाउन है एंड नीचे आपको ये सारे पाइपिंग दिखने को मिलेगा एंड उसके अंदर सिल्क फैब्रिक में यहाँ पे लाइनिंग दी हुई है। फ्लेयर वाइज गाइस आपको यहाँ पर अच्छे फ्लेयर दिखने को मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छा है। एंड ये रही दुपट्टा, जॉर्जेट फैब्रिक में आपको सिक्वेंस वॉक के साथ ये दुपट्टा दिखने को मिलेगा, क्वालिटी अच्छा है, लाइट वेट है एंड प्राइस वाइज भी ठीक ठाक है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो या अगर आपके पसंद आया है तो इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट बॉन है सो गाइस वेडिंग में पहनने के लिए, स्पेशली हल्दी में पहनने के लिए अगर आप कुछ रेडी टू वेयर लहंगा ढूंढ रही हो तो ये आपको मीशो पे दिखने को मिलेगा। जैसे कि एक टू पीस ड्रेस, एक रेडी टू वेयर स्कर्ट एंड एक पेपरम टॉप दी हुई है, इसके साथ कोई भी दुपट्टा नहीं है। अगर आप चाहो तो इसके साथ मस्टर्ड कलर में कोई भी दुपट्टा ले लेना। सो ये रही एक क्यूट सा पेपरम टॉप एंड इसका जो फैब्रिक है ना ये आपको सिर्फ फैब्रिक में दिखने को मिलेगा और नेक वाइज आपको ये वी नेक में दी हुई है एंड बैक का जो नेक है ना बस हल्का सा आपको डीप बैक नेक में दिखने को मिलेगा एंड यहाँ पर सारे हुक वगैरह प्रोवाइड की हुई है। रेडी टू वेयर ब्लाउज है इसका, आपको डिफरेंट साइज ऑप्शन दिखने को मिलेगा। सो स्लीव वाइज बस हल्का सा पॉफ स्लीव में आ जाएगा एंड यहाँ पर इलास्टिक भी दी हुई है एंड सुपर वे गाइस दिखने में खूबसूरत लग रहा है। पेपलम टॉप है आपको सिर्फ फैब्रिक में आ जाएगा एंड उसके अंदर लाइनिंग भी दी हुई है। फ्रंट पे यहाँ पर पैड वगैरह भी प्रोवाइड की हुई है एंड इसके साथ पैर अप करने के लिए ना जॉर्जेट फैब्रिक में ये रही स्कर्ट। वेल ये रेडी टू वेयर स्कर्ट है, वर्स में आपको यहाँ पर जिप दिखने को मिलेगा एंड यहाँ पर लॉकन भी दी हुई है जॉर्जेट फैब्रिक में। फ्लेयर वाइज आपको यहाँ पर इतना सारा हेवी फ्लेयर दिखने को मिलेगा, कलर वाइज मतलब कि लाइट कलर के साथ दी हुई है, काफ़ी स्मूथ है, क्वालिटी भी अच्छा है। एंड नीचे ना आपको ये सारे पाइपिंग वगैरह दिखने को मिलेगा एंड उसके अंदर यहाँ पे लाइनिंग भी प्रोवाइड की हुई है। सो ये को रेडी टू वेयर स्कर्ट एंड रेडी टू वेयर ब्लाउज अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गाइस आई होप सबको आज का ये मीशो स्पेशल वेडिंग आउटफिट्स और वीडियो पसंद आया होगा। इनमें से कुछ रेडी टू वेयर लहंगा भी है, कुछ गाउन्स है एंड इंडो वेस्टर्न साड़ी भी है। अगर आप आगे स्पेशली रेडी टू वेयर लहंगा के ऊपर या साड़ी के ऊपर या गाउन्स के ऊपर वेडिंग में पहनने के लिए हल वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो वगैरह सेंड कर दीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली गाइस आपकी डिमांड के ऊपर आगे मैं बहुत सारा हल वीडियो लेके आऊँगी, जैसे कि वेडिंग सीजन आ रहा है या मतलब कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड स्पेशली आगे मीशो से जैकेट के ऊपर हल वीडियो आ रहा है। सो प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून्ड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।